नमस्कार दोस्तों, ये आज हमारे 45 वाट का एम्पलीफायर है। इसमें दो माइक दिया हुआ, एक ऑक्स भी दिया हुआ, जिसे आप मोबाइल वगैरह से ऑक्स से सुन सकते हैं और माइक वगैरह पूजा पाठ में, कीर्तन भजन में भी चला सकते हैं। और जैसे हुआ कि 10 इंची का कॉलम हो आपके पास तो दो कॉलम भी चला सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास ये एम्पलीफायर आया हुआ है, जिसमें ये ऑन नहीं है, साउंड नहीं आ रहा है। तो साउंड नहीं आने के कारण हम इस रिपेयर करके बताएंगे वीडियो में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन 4 ओम 8 ओम 16 ओम और दो पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फॉल्ट होगा इस वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो में बताएंगे, और हमेशा लास्ट तक वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम इसको मेन लीड को लगाएंगे और ऑन किया सेट को। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम स्पीकर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे कि साउंड आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, तो दिक्कत क्या है वो बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे पास वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं। जितनी वोल्टेज चाहिए वो आना चाहिए। तो हमारे सप्लाई पे सबसे पहले 19 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट भी बन रहा है। तो इसके वजह से साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आने के कारण क्या है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर जगह वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस लगी हुई है, 4.7 ओम लगी हुई है। यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है तो मॉड्यूल ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण है दोस्तों कि यहाँ पे जो 2 पिन के कनेक्टर लगे हुए हैं, तो हम ओपन किया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर को देखें वीडियो में, तो यहाँ 5 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि मॉड्यूल में दिक्कत है, या तो मॉड्यूल जो लगे हुए हैं वहाँ पे कोई सप्लाई वगैरह का ओवरटेक हो रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक मॉड्यूल दूसरा लगा रहे हैं, तब देखते हैं कि यहाँ पे लाइट आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे वायर का भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे मॉड्यूल ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रेस है, ये वायर का दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा सी हम इसको शोल्डर को मूवमेंट करेंगे तो हमारा ये मॉड्यूल में लाइट आ जाएगा। तो दोस्तों, एक वायर के वजह से भी सेट हमारा डेड हो जाता है। तो इस वजह से मॉड्यूल में लाइट नहीं आ रहा था, हमने ये थोड़ा सा शोल्डर लगाया और मॉड्यूल को ऑन किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूल में लाइट आ गया है। तो ये सेट अब ऑन हो चुका है। अब इसमें हम माइक वगैरह के साउंड भी सुना के बताएंगे। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 चेक। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेट एक वायर के वजह से ये डेड था। छोटी मोटी चीज़ आ जाती है, बाहर जाते हैं माल, तो सेट फेंकाता भी है, गिरता भी है, इस वजह से ड्राइव थोड़ा आ जाती है। तो हम किस तरीके से रिपेयर करके हम बताए हैं। सबसे पहले मीटर को सहारा लिया और वोल्टेज को चेक करते हुए हमने सारी कंपोनेंट्स को चेक किया, जहाँ पे जितनी वोल्टेज आती है उस तरीके से चेक किया, और लास्ट में ये फॉल्ट पकड़ा है। तो ये फॉल्ट आप घर बैठे भी सही कर सकते हैं, अगर वीडियो हमारे देखते हैं तो। और हमेशा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें कि किस तरीके से हमने चेक किया, उस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगा। ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं।
हेलो तो इस तरीके से हमेशा वीडियो को देखें और हमारी वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किए होंगे तो लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।